हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक यूनिवर्सल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बता दूं कि सारे स्टूडेंट्स जो है वो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि कट ऑफ लिस्ट ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के दिल्ली यूनिवर्सिटी के आ चुकी है। बस कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी जो है कट ऑफ नहीं आई है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी कॉलेजेस की कट ऑफ आई है उनका मैं लिंक डाल देती हूँ। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक क्लिक करना है और जो भी कॉलेज आपको अच्छा लगता है, मतलब जिसमें आप आवेदन करना चाहते हो, उसको आप जो है खोल के उसकी कट ऑफ आप चेक कर सकते हो। तो मैं आपको मोटा-मोटा फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा तो हिंदू कॉलेज की कट ऑफ निकली है। हिंदू कॉलेज में जो है 99% तक जो है पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए कट ऑफ निकली है 99% तक, ठीक है। इसके बाद श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SRCC, जैसे कि आप जानते हो। इसमें जो है 98.50% फीसदी निकली है कट ऑफ, और BCom ऑनर वालों के लिए 97.75% निकली है। रामानुजन कॉलेज है, उसमें इंग्लिश ऑनर के लिए 92% निकली है और BA ऑनर के लिए 95%, इकोनॉमिक्स के लिए 95%। इसके बाद जो है किरोड़ीमल कॉलेज है दिल्ली में, उसमें 97% है। सत्यवती, शिवाजी, PGD, अभी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें कट ऑफ निकल चुकी है। तो आप स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाएं, आप देख लें अपनी कट ऑफ, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देती हूँ इसका लिंक, आप एक बार चेक कर लें, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब आप कट ऑफ अपनी देख लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कॉलेज का जो है चयन करना है, यानी चूज़ करना है आपको कॉलेज जो भी आपको अच्छा लगे आपके एबिलिटी के अकॉर्डिंग। और फिर उसको आपको जो भी आपकी जो दाखिला पर्ची होगी, एडमिशन की जो रिसिप्ट होगी, उसको लेकर आपको जाना है। और जो भी आपके दस्तावेज़ यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको उन सबको लेके और दाखिला पर्ची को लेकर आपको कहाँ जाना है, आपको कॉलेज में जाना है और कॉलेज में वो चीज़ें आपको सबमिट करवानी है। तो आप एक बार चेक कर लें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।